नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैं आज आपको, मेरे को थोड़े मेरे प्रयास थे उससे मुझे शुद्ध हिंगुल मिल गई, तो कुछ हिंगुल का मैं काम अब कर रहा हूँ। तो हिंगुल को पकाने का एक और बहुत बढ़िया तरीका है। हिंगुल जैसा आप जानते हैं, सब मैंने कई बार भी बताया है, लाल गंधक और भारत का मिश्रण होता है। इसको कई रूपों में, कई तरीके से, भांति भांति तरीके से पकाया जाता है, और ये रस रसायन के काम भी आती है और खादक भी होती है। ये खादक हिंगुल मैं बना रहा हूँ। हिंगुल जैसा बड़ी बेहतरीन चीज़, अगर ये सही पकी तो नपुंसकता के लिए, हार्ट ब्लॉकेज के लिए, हाथ पैरों के दर्द के लिए, साइटिका के लिए, लकुआ के लिए, खासकर मैं लकुआ के लिए बना रहा हूँ, और साइटिका हाथ पैर में दर्द जिनके झुनझुनी रहती है, शुगर वालों के लिए, शुगर में जो बड़ी तकलीफ़ रहती है, शुगर में ठंड के दिनों में बच के रहते हैं, खून गाढ़ा रहता है, ये खून को पतला करके खून की चाल को बढ़ाता है और भूख को बढ़ाता है। आपके शरीर के हर प्रत्येक जो सेल होती है उसको एक्टिव कर देती है हिंगुल। तो ये उसी के लिए आज मैं इसको बना रहा हूँ। ये जो है अपामार्ग, जिसको आप ओंगा भी बोलते हैं, अपामार्ग बोलते हैं, अपामार्ग का क्षार है ये। अपामार्ग के क्षार में इसको आज मैं पका रहा हूँ। ये इसमें तसूल बना दिया, जय महाकाल की ज़रूरत पड़ती हर जगह। अपामार्ग का क्षार है ये, और ये तांबे की प्लेट पे पकेगा, मेंटल हीट पे पकेगा, मतलब इलेक्ट्रिक का जो तवा होता है उस पे इसको रखेंगे 48 घंटे तक। तो धीरे धीरे पकना चाहिए, क्योंकि देखो मित्रों, पहले मैं आपको अपामार्ग का क्षार कैसे बनाते बता देता हूँ। ये अपामार्ग का पौधा रखा हुआ है, ये इसमें ज्वाइंट ज्वाइंट रहेंगे और इस तरह से इसके बीज रहते हैं। ये इसकी जड़ है, ये जड़ है। तो ये पूरा पौधा मैंने ऐसा उखाड़ लें इसको, बस ये टाइम है इसको, इसके बाद ये पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसमें बीज भी रहना चाहिए, टहनी भी रहना चाहिए, जड़ भी रहना चाहिए, तीनों इसको उखाड़ लें। कम से कम बैलगाड़ी के हिसाब से देखें तो दो एक बैलगाड़ी उखाड़ लें, और इसको सुखा के और इसकी मट्टी वट्टी हटा के इसको बढ़िया जला लिया जाता है। इसमें ढेर में आग लगा दी जाती है, कम से कम अपने हिसाब से 100 किलो तो होना चाहिए। ये 100 किलो या 50 किलो जैसी आपको मिल जाए, 50 किलो, 25 किलो, 50 किलो तो लेना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि 50 किलो मुश्किल से 2-3 किलो ही इसका क्षार बनेगा। तो इसको अच्छा जब जला लें, जब ये पूरा जल जाए, रात को आग लगा दें, ये पूरा जल के राख हो जाएगा। सफ़ेद राख होना चाहिए, काली नहीं होना चाहिए, काली राख काम नहीं करती। सफ़ेद राख जब हो गई इसकी, तो इसको फिर एक बढ़िया तपेला लीजिए, उसमें 1 किलो अगर आपका ये राख है तो 2 किलो पानी, इस हिसाब से आप पानी मिला दीजिए। आपकी 5 किलो राख है तो 10 किलो पानी मिला दें, और उसको 10 लीटर पानी मिला दें, और उसको खूब हिलाएं, और रात भर उसको रख दीजिए। रात भर में राख नीचे बैठ जाएगी और पानी के ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद सा हल्का सा पानी, उसको पानी को आप छुओगे तो चिकना चिकना लगेगा। उस पानी को धीरे से दूसरे तपेले में निथार लीजिए, निथर गया, अब उसको फिर रात भर रहने दीजिए। फिर उसके नीचे की जो कुछ भी गंदगी राख है वो नीचे बैठ जाएगी, फिर आप उसको निथार लीजिए। इसे 2 बार निथारना है, 2 बार निथारने के बाद उसको आप पूरे पानी को किसी भट्टी पर चढ़ा दीजिए। धीरे 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 धीमी आँच में पूरा गर्म होकर क्षार नीचे बैठ जाएगा, पानी सूख जाएगा, पानी उड़ जाएगा। उस क्षार को ले लीजिए, वो बिल्कुल महीन क्षार आएगा। हमको जैसे अपामार्ग का क्षार, कई लोग राख बोलते, राख नहीं, अपामार्ग का एकदम महीन क्षार चाहिए। महीन क्षार इसलिए चाहिए, देखो मैं चीज़ बता देता हूँ कारण। अपामार्ग की एक खासियत होती, पुराने ज़माने में जब अस्त्र बनाते थे तो इसका पानी देते थे, तो एटम को पास लाने की सामर्थ्य इस अपामार्ग में है। जैसे दांतों के जोड़ों का दर्द रहता तो इसको, इसकी दतून करती महिलाएं, तो दांतों के गैप भर जाते हैं, दांत हिलना बंद हो जाते हैं, इसलिए तीजा के टाइम पे इसकी दतून की करते हैं, वो करना पड़ता है। तो अपामार्ग का एक गुण होता है कि ये एटम को पास ले आता है, इसलिए पुराने ज़माने में अस्त्र को गर्म करके इसके पानी के क्षार में धार देते थे, तो धार कभी ख़राब नहीं होती थी, एटम को पास सिकोड़ देता है। तो जितना इसका महीन चूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर मोटा चूर्ण लोगे आप, इसका अगर 2-3 बार नहीं निथारोगे तो फिर वो बारीक
छार नहीं बनता है, ऐसा छार बनना चाहिए सफ़ेद, ये बारीक छार, ताकि जब हम इसमें हिंगुल पकाएं तो उड़े नहीं। बारीक छार रहेगा तो नहीं उड़ेगी, मोटा छार रहेगा, गैप रहेगा तो उड़ जाएगी, है ना। तो ये इस छार में ऐसा दबा देना, अच्छा तांबे की प्लेट में इसको बीच में हिंगुल रखें, नीचे पहले कम से कम 500 ग्राम आप छार रखिए, और फिर आप 10-10 ग्राम की दो डिगली या तीन डिगली जो रखना रख दीजिए, 5 डिगली तक रख सकते हैं एक किलो में, मैंने चार रखी है। और इसको फिर से ऊपर से अच्छा छार रख के अच्छा दबाना है, कहीं से गैप नहीं, हवा नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो पूरी हिंगुल उड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यही बस विधि काम की है, अंगूठे से हाथ से, तो क्योंकि बारीक छार रहेगा पाउडर के जैसा बिल्कुल, तो बढ़िया दब जाता है ये। और फिर आप इसको हमको इलेक्ट्रिक हीटर पे चढ़ा दीजिए धीमी आंच में, 350 डिग्री या 200 डिग्री पे इसको 48 घंटे पकाइए, इसको हटा दीजिए, अंगल अंदर से पकी हुई बेहतरीन हिंगुल निकल जाएगी, मैं जब निकलेगी तब आपको बता दूंगा, है ना। तो धीमी आंच में जब वुड कंडे की, वुड कंडा भी बोलते हैं इसको शायद उधर पंजाब तरफ, तो अपामार्ग तो इसका नाम है, औषधीय नाम है, होंगा अपामार्ग, चिरचिट्टा, ऐसे अलग अलग नाम है। तो यह पंचांग इसका बीज सहित पकता है तो बहुत बढ़िया बनता है, और इसका अंश जो है वो हिंगुल में भी आ जाता है। तो अपामार्ग जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, रक्त को पतला करता, शरीर को मजबूत करता, इसमें कैल्शियम भी होता है तो हड्डी को भी मजबूत करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को काटता है, जो नपुंसकता है उसको दूर करता है, बहुत बढ़िया बनती है। चने के आप उसके दाने के बराबर खाना है, चावल के दाने के बराबर इसका प्रयोग करें, तो ये व्यक्ति के पूरे अंग को फिर से नवीन बना देता है। और इसको जब प्रयोग करते हैं तो खटाई अचार का नहीं खाते हैं, तेल मसाला नहीं खाना है, हमको घी दूध का खूब प्रयोग करना है, शुद्ध घी गाय का मिले वो खाइए, भैंस का नहीं, नहीं तो चर्बी बढ़ा देगा ये, क्योंकि ये घी दूध को भी पचा देता है, शरीर को इतना मजबूत कर देता है ये, जिसकी हद नहीं। तो ये मैं आज इसको बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जब हम धीमी आँच में पकाते हैं और इसमें इसके छार में पकाते हैं तो धीरे धीरे पारा उड़ के, पारा और लाल गंधक ये दोनों आपस में मिल जाती है, बिल्कुल काले रंग की प्राप्त होगी है, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। और इसी के साथ इसमें जो अपामार्ग के छार के गुण भी इसके अंदर समाहित हो जाते हैं, जिस भी चीज़ में हिंगुल को पकाया जाता है उसके गुण उसमें पहुँच जाते हैं। तो ये लकवा रोग, दमा रोग, श्वास रोग सब पे बहुत अच्छी काम आती है। श्वास रोग के लिए बहुत सारे लोगों को देना है मेरे को, मैंने इसका प्रयोग जो कोरोना काल में जिनको सांस की तकलीफ थी उसमें काफ़ी किया और बहुत अच्छा लाभ मिला लोगों को, मित्रों केवल दो दो तीन तीन डोज में वो उनको सांस की तकलीफ ठीक हो गई। तो ये मैं आज इसको पका रहा हूँ ताकि सांस दमा वालों को मैं दे सकूँ। इस अपामार्ग छार की एक खासियत होती है कि इसको आप अगर खुले में रख देंगे, डब्बे को टाइट बंद करिए, नहीं तो ये बहुत अच्छा, जितना अच्छा छार बनेगा उतना अच्छा पानी को शोषित करके गीला हो जाता है, फिर कोई काम का बचता नहीं। और इसको एक ही बार उपयोग करना, जब धीमी आंच में पकते हैं हिंगुल और पारा तो एक हो जाता है, पारा पक जाता है, अग्नि स्थायी हो जाता है, और क्योंकि आंच में पकता है तो कच्चा पारा नहीं रहता, बिल्कुल अग्नि स्थायी हो जाता है, और हिंगुल भी आपकी जो गंधक है वो भी अग्नि स्थायी हो जाती, पक जाती है और खादक हो जाती है। जब वो पक जाती, कच्ची अपारा और कच्चा गंधक नुकसानदायक है, मगर अगर ये किसी ऐसी चीज़ के अंदर पक जाए, उड़े नहीं और बावजन निकले, अगर वजन कम हो गया तो इसका मतलब पारा उड़ गया, फिर वो आधी बची, तो बावजन अगर निकले, जितना वजन रखा है उतना ही निकले इसको पकाने के बाद, तो वो दिव्य चीज़ निर्मित होती है मित्रों, एक कत्थई से रंग की बनेगी ये। मैं जब पूरा पक जाएगा दो एक दिन में, तब मैं आपको फिर दूसरा वीडियो डाल के बताऊँगा। तो मैं आपको अपामार्ग छार के संबंध में कैसे बनाते हैं, कैसे पकाते हैं, इस संबंध में बहुत सारे हमारे बंधुगण थे, उन्होंने पूछा था, तो मैंने आज ये बना रहा हूँ भगवान भोलेनाथ का नाम लेके, तो आज आपको मैंने ये वीडियो डाल दिया है, तो आप इसको देखें और बनाएं, खुद ही बनाएं। एक आध बार में थोड़ा सा बहुत गड़बड़ होगी पर हस्त सिद्ध हो जाएगा, फिर कुछ भी गड़बड़ नहीं होती, विश्वास करके भरोसे से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तांबे की थाली इसलिए ली है कि तांबा टेम्परेचर को एक जैसा पूरे जगह फैला देता है, इसीलिए तांबे की प्लेट आवश्यक है। हर चीज़ का बड़ा महत्व है मित्रों, हर चीज़ का आयुर्वेद में हर एक एक चीज़ की बड़ी महिमा है,
और भोलेनाथ को छुला के ही हिंगुल रखते हैं हम भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ का वीर और रज जो है माँ पार्वती की रज होती है, और जब ये दोनों एक क्षार हो जाए, एक सार हो जाते हैं, तो फिर गणपति का स्वरूप हो जाते हैं। और गणपति जो है विघ्न विलायक है, सभी देवता सभी चीज़ों में काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, उनका शरीर देखिए हस्त बुद्धि रिद्धि सिद्धि सब देने वाले हैं। तो ये उन्हीं का नाम लेके मैं आज ये हिंगुल को पका रहा हूँ मित्रों, रखूँगा अभी पकने, तो आप देख लें। बहुत सारे इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए और सबको बांटिए, ताकि लोग इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें, नहीं तो फिर एलोपैथिक दवाई आप खाते रहेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये एक आप खाइए, दूसरे दिन आपको पैर में झंझनाहट शुरू हो जाएगी, जहाँ जहाँ आपके पैरों में ठंडक लगती थी, अकड़न होती थी, घुटने का दर्द था, दो दिन में ठीक हो जाती। मेरे काफ़ी मित्र हैं दिल्ली में, उनको भी दिया मैंने, वो तो शिमला चले गए थे, उनकी मिसेस से चलते ही नहीं बनती थी, कुछ बद्रीनाथ धाम चले गए थे, वहाँ से लौट के आए तो हाथ पैर में अकड़न हो गई थी, उन सबको दी मैंने थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल 3 दिन के अंदर उनको फ़ायदा हुआ है। इतनी बेहतरीन चीज़ है, बस बशर्ते बनना सही चाहिए, पकना सही चाहिए, कच्ची ना रहे, इसका ध्यान हमको विशेष रखना चाहिए। जब पक जाती है तो इसको पानी के ऊपर डालो, तो पानी में डूबती नहीं है, ये ऊपर तैरती है, तो वो पकी हुई अंगुल हुई पका, क्योंकि पारा भारी होता, कच्चा होता फट से डूब जाएगा। और पक गया बढ़िया बन गई है चीज़, तो पानी के ऊपर ये तैरेगी, मैं दिखाऊंगा आपको पानी पे तैरा के जब बन जाएगी तो, है ना। और अगर नहीं पकी कच्ची रही तो फिर से एक बार करना पड़ता है इस प्रयोग को। तो मेरे समस्त मित्रों को प्रणाम नमस्कार, इस वीडियो को देखिए सब्सक्राइब करिए सबको बताइए और आशातीत लाभ सबको दीजिए। दमा श्वास नजला सब पे बहुत अच्छा काम आती है, हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल शुगर सब पे बहुत अच्छी दवा है, इसको बनाकर बहुत पुरातन समय से इसका उपयोग होता चला आ रहा है, हम आयुर्वेद को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए मित्रों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ताकि हमारी संस्कृति हमारा आयुर्वेद बचा रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल जय महाकाल, मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800, ये मेरा मोबाइल नंबर है, छोटा पीटी अखिल शुक्ल लिखेंगे तो मेरी पूरी 2000 वीडियो करी सब खुल जाएंगे, पीटी अखिल लिखिए पूरे वीडियो मेरे खुल जाएंगे, यही मेरी वेबसाइट है। नमस्कार मित्रों।